तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल हैदराबादी निजामी वेज हांडी, जो कि काफ़ी अच्छी और हेल्थी रेसिपी है। तो सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे हम हमारे टमाटर और साथ में चार हरी मिर्च। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू, और अब हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे जो कि हमारे टमाटर और काजू का रहेगा, साथ में हरी मिर्च। अब हम दोबारा से सेम पैन में थोड़ा जीरा भुनेंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, और अब हम डालेंगे इसमें एक तेज पत्ता, छोटी सी दालचीनी, 4 से 5 इलायची और 4 से 5 काली मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 3 बारीक मीडियम कट साइज अनियन, जिन्हें काफी बारीक काट लिया था, और इन्हें धीरे धीरे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हम भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो अब हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर और काजू का पेस्ट। और इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। तो अब हमारी ग्रेवी अच्छे से पकने लगी है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मीट मसाला, जो कि इसकी ग्रेवी को काफी थिक करेगा। अब हमारे मसाले और ग्रेवी अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और अब हम इसमें डालेंगे हमारी उबली हुई सब्जियां और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है, तो हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी
कस्तूरी मेथी, और लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी हैदराबादी निजामी हांडी तैयार हो चुकी है, जैसे कि नॉर्मली तो हांडी में पकाया जाता है लेकिन हर घर में हांडी नहीं होती, तो इसलिए हमने इसे कढ़ाई में बनाया है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, वही टेस्ट आएगा। आप इसे जरूर ट्राई करना और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।